व्हाट्सअप गाइस, स्वागत है आपका क्रिकेट टॉक शो की एक और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में। गाइस, ये वाली वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बनाऊंगा जो फ्रेंड्स 2015 के बाद रिटायर्ड हुए हैं, 2015 से जिन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है, उन प्लेयर्स की मैं प्लेइंग 11 बनाऊंगा और काफ़ी खतरनाक ये प्लेइंग 11 बनेगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लेइंग 11 बनेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दीजिए। इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस आती रहती हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो ब्रैंडन मैकोलम को मैंने रखा है वहां पर, इनका साथ देंगे फ्रेंड्स शेन वॉटसन। जी हाँ फ्रेंड्स, इन दोनों ने ही 2015 के बाद जो है वो क्रिकेट को अलविदा कह दिया था, इनका साथ देंगे फ्रेंड्स। नंबर 3 पर फ्रेंड्स मैंने रखा है हाशिम आमला को। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत दिग्गज प्लेयरों ने जो है वो अलविदा कह दिया है 2015 के बाद। नंबर 4 पर फ्रेंड्स कुमार संगाकारा वहां पर रहेंगे, श्रीलंका के दिग्गज बल्लेबाज ने भी क्रिकेट को अलविदा 2015 के बाद ही कहा है। नंबर 5 पर फ्रेंड्स अद्भुत डिविलियर्स ए बी डिविलियर्स वहां पर रहेंगे। नंबर 6 की बात करूं तो फ्रेंड्स सुरेश रैना, इन्होंने भी फ्रेंड्स जिस दिन महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो है वो घोषित किया था संन्यास, उसी दिन सुरेश रैना ने अपना जो है वो संन्यास घोषित कर दिया था। इससे इन दोनों की फ्रेंड्स जो है वो यारी दोस्ती का पता चलता है, काफ़ी गहरी दोस्ती है दोनों के बीच में। तो नंबर 7 पर डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी रहेंगे, जो कि हमें इस टीम की कैप्टनसी और विकेट कीपिंग दोनों ही करते हुए नजर आएंगे। नंबर 8 पर फ्रेंड्स मिथिल जॉनसन को मैंने रखा है, ऑस्ट्रेलिया का लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर वहां पर रहेगा। नंबर 9 पर फ्रेंड्स डेल स्टेन। नंबर 10 पर लसिथ मलिंगा विल बी देयर। और फ्रेंड्स नंबर 11 पर इस टीम के जो मेन स्पिनर होंगे, स्पिनर हम लोग कैसे बोल सकते हैं, साइद अजमल को मैंने रखा है, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत ही शानदार स्पिनर थे, इन्होंने भी जो है वो 2015 के बाद क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो फ्रेंड्स ये टीम कुछ इस तरह से दिख रही है रिटायर्ड सिंस 2015, काफ़ी खतरनाक ये टीम दिख रही है। मुझे तो लग रहा है फ्रेंड्स अगर ये टीम आज भी खेलेगी तो काफ़ी अच्छा खेलेगी, क्योंकि वहाँ पर कई ऐसे प्लेयर हैं जो आज भी खेल रहे हैं, जैसे कि मैं बात करूँ डिविलियर्स, सुरेश रैना, धोनी, वॉटसन ने भी अभी IPL से संन्यास लिया, वरना वो खेल ही रहे थे, मलिंगा खेल रहे थे, तो ऐसे कई प्लेयर हैं जो अभी भी खेल रहे हैं, डेल स्टेन बिग बैश लीग में खेल रहे हैं। तो अगर ये आज भी खेलेंगे तो शायद किसी ना किसी अच्छी टीम को टक्कर देंगे, हरा देंगे। काफ़ी स्ट्रांग टीम ये बनी है, काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने 2015 से बाद जो है वो क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये टीम अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।